हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मीशो में शिप्ड ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीशो में कोई ऑर्डर लगाया है किसी प्रोडक्ट का और आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप्ड हो गया है और यहां पे अब आप लोग किसी रीजन की वजह से इस शिप्ड ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन आप लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो आप लोग का जो शिप्ड ऑर्डर है मीशो में वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मीशो में शिप्ड ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप लोग जो अपने मीशो में जो शिप्ड ऑर्डर होता है उसको आप लोग बड़े ही आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मीशो में शिप्ड ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आप लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है आपका जो ऑर्डर हिस्ट्री है, पहले मीशो एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ मिल जाता है माई ऑर्डर्स, तो माई ऑर्डर्स पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आप लोग का जो होम पे रहेगा, तो माई ऑर्डर्स पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे माई ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने ऑर्डर लगाए होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो शिप्ड ऑर्डर वाला ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा जो ऑर्डर है वो शिप्ड हो चुका है। तो इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, कैंसिल कैसे करूँगा? ऊपर नीचे आप लोग देखेंगे कहीं पे भी कैंसिल वाला ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है? और ऊपर साइड में आप लोग देखेंगे हेल्प सेंटर मिलता है और इसका जो आप लोग को ऑर्डर आईडी मिल जाता है, लेकिन आप लोग को जो ऑप्शन है कैंसिल वाला शिप्ड ऑर्डर वो आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं आप लोग बताऊँगा कि आप लोग अपने मीशो में शिप्ड ऑर्डर कैंसिल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जो आईडी है इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और इसको आईडी को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिर बैक चलता हूँ, दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर साइड मिल जाता है हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाता है कैन आई कैंसिल माई ऑर्डर। तो आप लोग को यहाँ पे मिलता है कैन आई कैंसिल माई ऑर्डर, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ये जो पढ़ लेना होगा, अब ये मिलता है आप लोग को कॉल मी बैक, तो कॉल मी बैक पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जिस नंबर पे कॉल चाहते हैं वो नंबर आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये आप लोग यहाँ पे ये नंबर आप लोग का आ जाए तो वो आप लोग नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और डालने के बाद उधर से आप लोग के कस्टमर केयर की तरफ से उधर से जो है एक कॉल आएगी और कॉल पर आप लोगों को वहाँ पर बता देना होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट से ये प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर डालेंगे और नंबर वो सही से डालना, और इसके बाद जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद कस्टमर केयर की तरफ से एक कॉल आएगी और कॉल पे आप लोग की जो प्रॉब्लम है शिप्ड ऑर्डर से रिलेटेड वो आप लोग को उनको बता देना होगा, और बताने के बाद वो आप लोग का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देंगे, वो आपका जो शिप्ड हुआ है, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पे वो अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो मैं आप लोग एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। जब आप लोग का ऑर्डर आ जाता है, पार्सल जब आता है, तो एक डिलीवरी बॉय होता है जो आपके पार्सल को लेके आता है, वो सबसे पहले आपसे कॉल करता है। अब जब भी आपके पास डिलीवरी मीशो की डिलीवरी की तरफ से कोई कॉल आए तो वहाँ पे आप लोग उनको बोल दीजिए कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है नहीं चाहिए और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मतलब उस लोकेशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं प्रोडक्ट को रिसीव कर सकूँ। तो वहाँ पे आप बोल दीजिए कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप इस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न ले जाइए, कैंसिल कर दीजिए। तो दोस्तों, वो जो है प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे, उनके जो सिस्टम में उनके पास एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? आपके सिस्टम में शिफ्ट होने के बाद ऑप्शन नहीं आएगा कैंसिल का, लेकिन उनके सिस्टम में आ जाता है जो डिलीवरी बॉय होते हैं और वो प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वो कैंसिल करके प्रोडक्ट को वापस रिटर्न ले जाते हैं, ठीक है? तो ये जो दो तरीके हैं, एक आप लोग कस्टमर केयर से बात करके प्रोडक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं और दूसरा आप लोग जब आपके पास प्रोडक्ट आता है डिलीवरी बॉय के जरिए और जब डिलीवरी बॉय आपसे कॉल करता है तो उनको मना कर दीजिए मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और आप प्रोडक्ट को जो है कैंसिल वहीं से करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये दो तरीके हैं मीशो के शिप्ड ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। तो आई होप आप लोग जान चुके होंगे कि मीशो में शिप्ड ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर लोगों को मीशो में शिप्ड ऑर्डर को कैंसिल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।